फिलहाल वो स्टार नहीं है कि जो कश्मीर में जाके लाखों रुपया खर्च करके गाना बनाए और गाना फ्लॉप हो जाए। खेसारी लाल यादव वो स्टार है जो कि भैया एक रूम में गाना शूट कर देते हैं, गाना अपलोड हो जाता है और अपलोड होने के बाद इतना ज्यादा व्यूज आ जाने के बाद यूट्यूब हैंग हो जाता है। अब क्या है सच्चाई मैं बताता हूँ, वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देखो, बाकी चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लो। मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि आज सुबह 11 बजे बर्फ सॉन्ग आया था जिसको लिखे थे पवन पांडे और गाने वाले हमारे दबंग स्टार खेसारी लाल यादव और नेहा राज थी। भैया कुछ ऐसा हुआ उस गाने के साथ में कि भैया एक ही बार में बहुत लोगों ने उस गाने को सुन लिया और भैया हो गया यूट्यूब हैंग कि भैया 2 घंटे में 5,000 व्यूज दिखा रहा था और वहीं पे जब मैं लाइक्स पे गया तो 40,000 लाइक्स दिखा रहा था। तो यहाँ कहीं ना कहीं यूट्यूब हैंग हो चुका था और वहाँ पे जो है व्यूज अच्छे से दिखा नहीं रहा था और ये सिस्टम कई बार खेसारी लाल यादव के साथ में हो चुका है। खेसारी लाल यादव वही स्टार है जो कि भैया एक कमरे में 2 स्टार गाना शूट करते हैं और गाने को सुपर हिट बना देते हैं। अभी जो गाने को देखा जाए तो 7 घंटे में 1 मिलियन व्यूज हो चुका है और कुछ 1,03,000 उस पर लाइक आ चुके हैं। तो भैया अब इतना खर्चा करने की क्या जरूरत है कि भैया आप कश्मीर जाओ और दुनिया भर का पैसा लगाओ और व्यूज आए 1.7 मिलियन एक दिन में, तो क्या फायदा रह गया? तो फायदा रह गया ये कि खेसारी लाल यादव का गाना जो बर्फ है सुपर हिट बन चुका है एक छोटे से कमरे में शूट करके। और वहीं पे इस गाने का अगर और खूबियत बात कर लूं तो भैया इसका जो डिजाइनिंग देख लो एक रूम के अंदर, तो इतना जबरदस्त क्वालिटी दी है इस गाने में कि भैया मजा ही आ जाएगा। और दूसरी तरफ बोल रहे हैं कि इस गाना जो ये गाना गाया गया खेसारी लाल यादव की तरफ से, ये गाना जो है अश्लील है और बर्फ बर्फ बोला जा रहा है, इसमें अश्लीलता दिखाई गई है। तो अपने चाचा का गनवा देख लीजिए जाके, ताड़ी साड़ी साटा पाटा कितना भी गाना आया है सब गाने में कितना ज्यादा अश्लीलता डाला गया है। खेसारी लाल यादव नहीं है कि वहां से जाके ढोनी तक पहुंच जाए, ऐसे स्टार नहीं है, गाना गाते हैं और गाने को सुपर हिट बना देते हैं और खेसारी के नाम से शायद गाना सुपर हिट हो जाता है। बाकी पवन पांडे जब भी गाना लिखते हैं कुछ अलग कंसेप्ट लेके आते हैं और गाना को सुपर हिट कर देते हैं। बाकी भैया बर्फ गाने में इतना जबरदस्त लोकेशन डाला गया कि भैया मैं कायल हो चुका हूँ और छोटे बजट में गाना जो है सुपर हिट हो जाता है, आप सबको पता है। और बालाजी रिकॉर्ड्स पे कोई ज्यादा सब्सक्राइबर नहीं है, 1 मिलियन सब्सक्राइबर नहीं है, फिर भी गाना सुपर हिट बन चुका है क्योंकि खेसारी लाल यादव कोई भी चैनल से गाना गा देते हैं। जैसे भजरा रिकॉर्ड से गाना आया मड़वा में यरवा, बहुत कम थोड़ा सा सब्सक्राइबर था, शायद 1 लाख भी सब्सक्राइबर नहीं है, लेकिन वो गाना इतने ज़्यादा चैनल से अपलोड हुआ और उस गाने पे आज देखा जाए तो 5 मिलियन व्यूज है कुछ 2 दिन के अंदर। तो भैया खेसारी लाल रिकॉर्ड बनाने में हमेशा आगे होते हैं, कोई कितना भी गलत बोल ले खेसारी भाई के बारे में लेकिन वो रिकॉर्ड बनाना नहीं छोड़ते हैं। बाकी आज की वीडियो में इतना ही है, वीडियो देख के आप सबको कैसा लगा कमेंट करके बताओ। बाकी वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक मारो, बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसे वीडियो के लिए। बाकी आज के वीडियो में इतना ही है, चलते हैं।